हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग टैलिंग। तो फिर से दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से वैकेंसी निकल कर आ रही है। अभी जेई की वैकेंसी निकल के आई थी, लेकिन अब एई की वैकेंसी भी निकल कर आ रही है। ओके, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की। ओके, और इसकी भी जो ओपनिंग डेट है वो है 10 जनवरी 2022 से है, और क्लोजिंग डेट 9 फरवरी 2022 है। ओके फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ओके, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसमें 151 पोस्ट हैं। ओके, सिविल की और इलेक्ट्रिकल की हैं टोटल 10 पोस्ट। ओके, जो मिनिमम एज रखी गई है 18 इयर्स, मैक्सिमम एज 30-32। ओके, और जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उनकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 है, और SC ST की 0। ओके, तो चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन देख लेते हैं, किन किन डिपार्टमेंट में पोस्ट निकल कर आ रही हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और फॉर्म को कैसे फिल करना है। ओके, सो ये देख सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पोस्ट है, तो इसमें फर्स्ट है जो फर्स्ट पोस्ट जो निकल कर आ रही है वो है नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ओके, जिसमें जनरल की 15, EWS 4 और OBC की 10 पोस्ट हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 38 हैं। ओके, सेकेंड है साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 1 पोस्ट है, टोटल इसमें एक ही पोस्ट है। ओके, थर्ड है ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसमें जनरल की 19, EWS की 3 और OBC की 10 और SC की 5, ST की 2। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस डिपार्टमेंट में 39 है। ओके, और फोर्थ है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसलिंग NDMC, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 43। ये आप देख सकते हैं डिवाइडेड है सब अनरिजर्व OBC। ओके, फिफ्थ है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, तो इसमें एक भी पोस्ट नहीं है, पता नहीं इसको इसमें रखा क्यों है। तो फिर सिक्स है दिल्ली जल बोर्ड, इसकी है 12, अनरिजर्व कैटेगरी की है, OBC की 9 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 30 हैं। ओके, और सबकी जो मिला के ग्रैंड टोटल है, टोटल कितनी है 151 है निकल कर आ रही है वैकेंसी। ओके, ये इस क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, ये फर्स्ट पोस्ट के लिए नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल के लिए, इसमें जो आपका नेचर ऑफ ड्यूटी रहने वाला है वो मेंटेनेंस ऑफ एरिया एंड प्रोजेक्ट वर्क विच कम्स अंडर देयर ज्यूरिडिक्शन मेक्स एस्टिमेट गेट एग्जीक्यूट ऑफ एग्जीक्यूटेड द सिविल वर्क। सिविल वर्क जो मेंटेनेंस रहेगा जिस भी एरिया में आपकी पोस्टिंग होगी, ओके, प्रोजेक्ट वर्क ये सारे आपको करने पड़ेंगे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है डिग्री इन सिविल इंजीनियर होनी चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांग लिया गया है। ओके, और जो आपका पे स्केल रहने वाला है वो 9,000 से लेकर 34,000। ओके, ग्रेड पे 4,600, ग्रुप बी की जॉब रहने वाली है, एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स। ओके, एंड सेकेंड है साउथ दिल्ली, इसमें भी सेम ही है, पूरा सेम प्रोसीजर, जो नेचर ऑफ वर्क रहेगा लेकिन वो फील्ड ड्यूटी रहेगी। ओके, बाकी जो सैलरी है और क्वालिफिकेशन है वो सेम है। ओके, थर्ड वन है ईस्ट दिल्ली कॉर्पोरेशन, इसमें भी सेम ही है, क्वालिफिकेशन और ग्रेड पे सब सेम ही है। ओके, फोर्थ है दिल्ली म्यूनसिपल, इसमें डे टू डे नेचर ऑफ ड्यूटी जो रहेगी, डे टू डे मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ म्यूनसिपल बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड असाइन इन देयर रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ द सब डिवीजन एज पर CPWD मैनुअल। CPWD मैनुअल के अनुसार आपको मेंटेनेंस का काम, म्यूनसिपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सारे काम आने चाहिए आपको। ओके, इसमें जो एसेंशियल है फर्स्ट क्लास और सेकेंड हाई क्लास यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और पास्ट सेक्शन AB एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस। इसमें आपको 3 ईयर न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिलिंग में आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। ओके, और जो पे स्केल है वो सेम ही है इसके लिए भी, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, इसका भी सारा कुछ सेम ही है। ओके,
एंड देन दिल्ली चल बोर्ड, इसमें भी जो आपका नेचर ऑफ वर्क रहेगा, मेंटेनिंग सुपरविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, डिपार्टमेंटल वर्क, वर्क रिलेटेड टू डिटेक्शन लीकेज अंडर देयर एरिया ऑफ कंट्रोल एंड फॉरवर्डिंग द सेम टू रिस्पेक्टिव, ये बहुत सारा है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा वरना वीडियो जो है लंबी बन जाएगी। ओके एंड ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैंडिडेट इंडिया का होना चाहिए। ओके क्वालिफिकेशन, रूल्स, यूज़र, ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दे दूंगा, नोटिफिकेशन लिंक दे दूंगा। ओके आपको कहीं नहीं जाना, आप वीडियो देखेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी। ओके तो सबसे पहले आपको तो पोर्टल में जाना है, DSSB ऑनलाइन में, और रजिस्टर करना है अपने आप को। ओके उसके बाद यूज़र पासवर्ड जनरेट करना है आपको, यूज़र आईडी और पासवर्ड, फिर उसके बाद लॉगिन करके आपको फॉर्म फिल करना है। द कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू इंस्ट्रक्शन ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन, इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। ओके ये ओपनिंग डेट बता चुका हूँ आपको, 10 से स्टार्ट होने वाला है, 10 जनवरी से 9 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो 100 रहने वाली है। एग्जामिनेशन स्कीम जो टीयर वन है, टीयर वन में आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें टू आवर ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम होगा। 100 मार्क्स जो रहेंगे आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंट, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंसन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंसन, ईच 20 मार्क्स, ये जितने भी पोर्शन है 20 20 मार्क्स से आएंगे, 100 क्वेश्चन, और आपका जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा उससे 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। जैसे सिविल इंजीनियर है तो सिविल के, इलेक्ट्रिकल हैं तो इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चन। ओके अगर आप टीयर वन क्वालिफाई कर लेते हैं तो टीयर टू में आपको बैठने का मौका मिलेगा, और ये जो है टोटल मार्क्स इसमें 300 का ये एग्ज़ाम होगा, और टाइम ड्यूरेशन जो होगा 3 आवर्स होगा उसमें, जिसमें 100 क्वेश्चन, चॉइस क्वेश्चन कवरिंग द इंटायर 100 क्वेश्चन जिसमें आएंगे 100 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट से। ओके सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होगा, कोर सब्जेक्ट, एंड पार्ट टू जो रहेगा वो आएगा आपको 200 मार्क्स का। ओके 100 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ईच क्वेश्चन टू टू मार्क्स का होगा, तो 200 मार्क्स। तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू एवल्यूट द एबिलिटी फॉर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड कॉन्टेस्ट, एनालाइज सिचुएशन, एवल्यूट ऑप्शन, मेक इन्फॉर्म चॉइस, अप्लाई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स एंड प्रिंसिपल ETC, ये सारे डोमेन नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, ये सारे क्वेश्चन आएंगे इनसे, सिलेबस से रिलेटेड। ओके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके पोस्ट प्रेफरेंस, ओके मोड ऑफ सिलेक्शन, ऑनलाइन सिलेक्शन होगा, ओके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। ओके तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपकी इस वैकेंसी से लेकर। दोस्त बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी JEE की पोस्ट निकाली गई थी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से, अब AE की भी निकाल दी गई है, तो प्लीज़ अपनी जो प्रिपरेशन है उसको रुकने मत देना, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना। ओके और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हम आपके लिए डेली 2 वीडियो लेकर आते हैं सिविल इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड। ओके तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में शाम को। ओके बाय।